नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी गेहूं के आटे का नाश्ता रेसिपी। एक बार मेरे तरीके से इस नाश्ते को बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, क्रंची और कुरकुरे बनकर तैयार होएगा और सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज का आलू था जिसको बॉयल करके इसको इस तरह से कद्दूकस कर लिया था ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी आटा, जिस आटा से चपाती बनाते हैं उसी आटा का यूज किया है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर गरम मसाला के साथ, आधा चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इसके अंदर डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। अब इसके अंदर डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और हाथों की सहायता से इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। इस तरह से हाथों की सहायता से मसल मसल कर इसको गूथेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार। ये देखिए डो तैयार हो गया है। यदि यह रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक अवश्य दीजिएगा। ये देखिए सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। इधर दिया है चौकी और इसके ऊपर आटा को थोड़ा फैलाएंगे और गुथे हुए आटे और आलू के डो को इस तरह इसके ऊपर फैला लेंगे और बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे। इस तरह से इतना मोटा रखना है। अब इसको चाकू की मदद से काट लेंगे। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप दिया है। एक बार इस नाश्ते को बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। आप इसे बच्चों के लंच में भी बनाकर दे सकते हैं जो बहुत ही आसानी के साथ जल्दी से बन जाने वाला यह रेसिपी है। ये देखिए इसको स्क्वायर शेप में काट लिया है और इसको बीच में इस तरह से और काट लेंगे ताकि यह ट्रायंगल शेप में आ जाए। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए सबको मैंने काट लिया है इस तरह से। अब गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब सबको बारी बारी से फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से सिक जाए तब पौने की सहायता से उलट पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो एक बार इसको अवश्य ट्राई करिए। बेहद ही कम समय में और आसानी से बन जाने वाला यह रेसिपी है। ये देखिए इसको इस तरह से उलट पलट कर सेक लेंगे, बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है और बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। ये देखिए अच्छे से सिक गया है। अब इसको निकालेंगे एक बर्तन के अंदर और इसी तरह से सभी को फ्राई कर लेंगे पौने की सहायता से उलट पलट कर। यहाँ मैंने सबको फ्राई कर लिया है। अब इसे सर्व करेंगे। आप इसे टोमेटो सॉस, ग्रीन सॉस किसी के भी साथ सर्व करके सबके साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो एक बार अवश्य